बेटे की खुशी के लिए किसान पिता दे रहा हर कुर्बानी। क्रिकेट खेलते देखा बेटे को तो घर के आगे बना दी पी। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। कोसी और सीमांचल के इलाके में यह कहावत काफी लोकप्रिय है। सभी अपने बच्चों को यह कहावत सुनाकर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहोरिया पंचायत निवासी रामचंद्र यादव ठीक इसके विपरीत सोच रखते हैं। वे पहले अपने बेटे अतुलानंद को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके कारण मैट्रिक परीक्षा पास करने के साथ ही अपने पुत्र अतुलानंद को राजस्थान के कोटा स्थित कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाया। उनका उद्देश्य था कि उनका बेटा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर। लेकिन कुछ महीने बाद जब वे पुत्र से मिलने पहुंचे तो देखा कि उनका पुत्र कोटा के क्रिकेट मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहा था, साथ ही अच्छी गेंदबाजी भी कर रहा था। बेटे की पढ़ाई से अधिक क्रिकेट में दिलचस्पी दिखी, जिसके बाद उन्होंने पुत्र को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका पुत्र कोटा के जिला स्तर क्रिकेट में अच्छा नाम कमाने लगा। लेकिन कोटा में रह रहे उनके कोच ने उनकी प्रतिभा और उनके लगन को देखते हुए उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही उन्हें अपने जिले और बिहार राज्य की ओर से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। जिसके बाद अंकित कोटा से बोरिया बिस्तर बांधा और सहरसा पहुंच गया। अब वह सहरसा जिला स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा दिखा रहा है। पिता की यही सिर्फ भागीदारी नहीं रही, बल्कि पिता ने अपने पुत्र को क्रिकेट की सारी सुख सुविधा घर के आगे ही उपलब्ध करवा दी, जहाँ उन्होंने लगभग 80,000 रुपए खर्च करके घर के आगे क्रिकेट पिच बना दिया। वहीं नेट से पूरी किट जो लाखों रुपए में आती है उसे भी खरीद कर उपलब्ध करवा दिया। वे महंगी महंगी गेंद और बैट ला कर दे रहे हैं, साथ में उन्हें सिर्फ क्रिकेट पर ही ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित भी किया। उनके पिता के साथ साथ उनके बड़े भाई और छोटे भाई भी उनके पीछे उन्हें आगे बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक अंकित को कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई, वो बिहार राज्य क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन पिता उनके आगे बढ़ने में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। गरीब परिवार होने के बावजूद भी अपने पुत्र को क्रिकेट जैसे महंगे खेल में खेलने की हर सुख सुविधा देने के लिए कभी नहीं हारा है और कभी मना नहीं किया। ऐसे पिता की देखरेख में एक दिन उनका पुत्र इतिहास लिखेगा, ऐसी उम्मीद भी वह रख रहे हैं। मैं अतुल आनंद हूँ और मेरा क्रिकेट के प्रति जो है, मैं पहले सहरसा में रहता था, तो सहरसा में ऐसे गली में खेलना इधर उधर करना बच्चों के साथ, तो बच्चे थे तो बच्चों के साथ खेलता था। तो उसके बाद मुझे पापा ने कोटा भेज दिया। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक रेजोनेंस में ऐसे ही टूर्नामेंट हो रहा था नॉर्मल, जो कि इंस्टीट्यूट सब में होता है, तो उसमें मुझे खेलने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने टेनिस टूर्नामेंट था, तो वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो टेनिस टूर्नामेंट देखने के लिए भी बड़े बड़े आदमी आते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक संजय भारती थे सर, जो मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग देते थे कोटा में, तो उन्होंने मुझे देखा तो वो बोले कि कहाँ प्रैक्टिस करता है। तो मैंने बोला सर मैं क्रिकेट अभी नहीं खेलता हूँ, लेकिन मेरा मन है अंदर से मैं क्रिकेट खेलूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम जो है एकेडमी, मेरे एकेडमी आओ, मैं तुमसे रुपया रुपया नहीं लूँगा, तुझे मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। तो मैं वहाँ पे गया कोटा में स्टेडियम में, तो वहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस करने लगा। वहाँ पे मुझे मैच मिला, तो मैच मिला तो मुझे जो भी मैच मिलता था तो मैं 100% देता था। वो डेडिकेशन सर को पसंद आया, तो डेडिकेशन पसंद आया तो सर बोले कि तुम जो है ना मेहनत करते रहो, जो होगा देखा जाएगा, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो तभी तक मेरे गार्जियन को ये पता नहीं था कि हम एकेडमी ज्वाइन करें, सिर्फ मेरे भैया को पता था। और भैया बोले कि तुम खेलो, पापा का टेंशन मत लो, हम जो है ना मैनेज कर लेंगे। तो भैया बोले करो, तो मुझे किडबैग, भैया अपने पॉकेट मनी से मुझे किडबैग खरीद के दिए, जो भी इक्विपमेंट्स होता है वो दिए। और मैं वहाँ पे अब एकेडमी जाने लगा, क्योंकि एकेडमी में खेलने के लिए तो इक्विपमेंट्स चाहिए, बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, हर एक चीज़ चाहिए। तो वहाँ पे मुझे भैया ने प्रोवाइड किया और मैं वहाँ पे खेलना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहली बार जो है चांस मिला था, तो संजय सर दिलाए थे। तो वहाँ पे मुझे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन तो हो गया। उसके बाद मैं जयपुर आ गया था मैच खेलने। फिर जयपुर से जब घर वहाँ पे रूम पे गया तो पता चला कि डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है। तो मेरे पास तो वहाँ का डॉक्यूमेंट नहीं था प्रॉपर, मैं तो बिहार का रहने वाला था। तो वहाँ पे मेरे साथ थोड़ा हुआ दिक्कत, तो फिर तब तक पापा को पता चल गया था। तो पापा बोले चलो खेलता है तो खेलो, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना, क्योंकि आजकल जो भी समाज में है तो समाज तो यही सोचते हैं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, क्योंकि पढ़ाई में रास्ता दिखाई देता है। लेकिन ये मेरा कहना है कि बच्चे पे विश्वास कीजिए, हो सकता है मे बी कि वो गांव को रिप्रेजेंट नहीं करे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल के अपने देश को रिप्रेजेंट करे, ये बहुत बड़ी बात है।
गांव में तो ऐसे भी कोई भी रिप्रेजेंट करते था कि मैं यहाँ का हूँ वहाँ का, मुझे भी अपने गांव में सब जानता है, लेकिन मुझे ये दिखाना है कि मैं भी इंडिया का एक आदमी हूँ जो कि अपने देश के लिए खेलता हूँ, चाहे आर्मी हो या फिर कोई क्रिकेटर हो। तो मैं क्रिकेट को चूज किया हूँ, तो यहाँ से मेरे गार्जियन बहुत सपोर्ट करते हैं, जितने भी बच्चे हैं मेरे गार्जियन की तरह उनके बच्चे सोचे कि गार्जियन सोचे कि मेरे बच्चे को खेलना चाहिए, या जिस चीज़ में पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई कराइए, जिसमें मन लगता है वो कराइए। तो वहाँ से मुझे क्रिकेट में बहुत ही एक्सपीरियंस मिलने लगा, मुझे मेरे अंदर से मुझे लगा कि मैं अब खेल सकता हूँ। तो वहाँ से मैं पटना आ गया CAB में, अमीकर दयाल सर के अकेडमी में, तो यहाँ पर मुझे एडमिशन मिला, यहाँ भी मैच खेलने राजू सर थे, तो उन्होंने मुझे देखा, ट्रेनिंग तो राजू सर देते थे, राजू सर बोले कि खेलो, तो सर मुझे स्पेशली बुलाते थे वहाँ पे, कोई भी चाहे प्रैक्टिस हो या ना हो फिर भी मैं ग्राउंड में रहता था राजू सर के साथ, चाहे ग्राउंड का कोई काम चलता हो ऐसे रोलिंग वोलिंग, तो मैं रोलिंग भी करता था, सब चीज़ करता था। देखिए पहला बात तो जब मैं वहाँ से लॉकडाउन लगा तो मैं यहाँ आ गया घर पे, तो घर पे आया तो मैं एक दो महीने तो रेस्ट में था, लेकिन मेरे अंदर में मतलब एक होता है ना क्षमता, मेरे अंदर क्षमता नहीं था कि मैं बैठ सकूँ, मुझे खेलना था क्रिकेट, तो उसके लिए मैं अपने गार्जियन पे प्रेशर दिया, लेकिन कुछ देर के लिए तो गार्जियन भी ना बोले, क्योंकि होता है कि गार्जियन ये ना बोलेंगे कि समाज क्या सोचेगा, बाहर में खेलते थे तब तक तो सब समाज को ये पता था कि हाँ खेलता चलो भाई, यहाँ पे दरवाजे पे पिच गिरा देना तो ये समाज में थोड़ा अलग ही मायने रखता है। तो पापा को बहुत बोले, तो भैया भी सपोर्ट किए, भैया भी बोले, मम्मी भी बोली, सब जितने भी थे मेरे रिलेशन में सब बोले कि खेलना चाहता है तो खेलाइए, तो पापा भी बोले चलो ठीक है खेलो, तो पिच बनवा दिए। लेकिन आदमी का सोच अब क्या किसके मन में चलता है ये तो नहीं बता सकता, कुछ आदमी पॉजिटिवली भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है खेलो, सब चीज़ कर रहा है, तुम भी अलग चीज़ कर रहा है, तुम हम लोग का नाम रोशन करेगा, अच्छा खेलता है, तो वो आदमी पॉजिटिवली बोलते हैं जो कि मुझे देखते हैं खेलते हुए, क्योंकि गाँव सब में जो लोकल टूर्नामेंट होता है तो ये सब जितने भी लड़के हैं मेरे साथ के वो बोलते हैं चलो खेलने के लिए अतुल, तो हम जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे मैच है जो मैंने जिताया अपने दम पे, तो वहाँ से जो भी गार्जियन सब देखते हैं गांव के वो बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहा है खेलो, तुम भी एक दिन TV पे आओगे खेलोगे, जरूर खेलोगे। और कुछ आदमी है जो नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन घर वालों के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? घर वालों के लिए तो मैं बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, मेरे दरवाजे पे पिच बना ले, मुझे बाइक प्रोवाइड किया गया इसलिए कि मैं सहरसा जाके प्रैक्टिस कर सकूं, मेरे घर में बाइक वाइक नहीं था, लेकिन मुझे पापा ने भैया ने मम्मी सब बोली कि इसको बाइक दीजिए, घर से जाएगा प्रैक्टिस करने, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट क्या होता था, वहाँ भी प्रैक्टिस करते थे, यहाँ पे आने के बाद मुझे गांव का बच्चा जितना भी था वो भी सपोर्ट करता था, तो यहाँ भी 300-400 बॉल खेलते थे, वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाता था, तो उसके लिए मुझे बाइक प्रोवाइड किया गया। तो इसके लिए मैं गार्जियन सब के लिए तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, सर मैं इतना ही बोलूँगा कि क्रिकेट एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जुनून चाहिए, और वो जुनून के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, तो पसीना के बिना जो है कुछ भी नहीं होता, पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए, आगे क्या होगा नहीं होगा वो किस्मत पे है, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, किस्मत भी उसी के साथ देती है जो मेहनत करता है, तो पसीना बहाइए और खेलते रहिए, आज ना कल होगा, नीले जर्सी में या फिर जैसे मैं विराट सर का फैन हूँ तो हो सकता है मैं भी विराट सर के साथ एक ना एक दिन खेलूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्या नाम हुआ आपका? अतुल आनंद।